देव सर के साथ काय की क्लास थी आपकी? आईसीएससी के बारे में नॉलेज। अभी ये बताइए मेरे को कि आप कोई से भी बोर्ड की एक सीपीयू आईसी अगर देखते हैं तो आप बाकी आईसी को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी होगी, कौन सी हमारी आरएफ आईसी होगी, कौन सी हमारी फर्स्ट पावर होगी, कौन सी हमारी सेकंड पावर होगी, है ना, कौन सी हमारी आरडी होगी, पहचान सकते हैं ना भाई, है ना। वो सीपीयू भले ही आपका ज़ाइनोक्स का सीपीयू हो, है ना, जी सर, क्वालकॉम का हो आपका, चाहे वो एमटीके का हो, है ना, हम 70% से 80% आईसी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोर्ड देखते से ही कर सकते हैं हम, कौन सी आईसी होगी, है ना, जी सर, है ना। आपको सर ने वो भी लिखवाया इसका, जी सर, है ना, डायग्राम भी बनवाया, जी सर, है ना, आपको सबको समझ में आया हो, जी सर, अब शाम को जाने के बाद क्या करेंगे आप उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपने यहाँ पे रफ किया उसको फेयर करेंगे, है ना, फेयर करेंगे। और यहाँ से जाने के बाद भी आपको होमवर्क मिलता है क्लास में? जी सर, मिलता है, कल से मिला था, आज भी मिलेगा आपको, जी सर, है ना। कब तक पढ़ाई की आपने? सुबह 8 बजे से लेके 8। नहीं, आपने यहाँ से जाने के बाद सवेरे 8 से 8 की क्लास तो आपकी दिल में रहती है, 1 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, सवेरे कब उठते हो आप? 5 बजे उठते हो, ठीक है। जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं करी हुई जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हो, जी सर, हां सर, जी सर, हां आया तो सर बन के जाना याद आ गया होगा, हां कैसा डिसिप्लिन है भाई यहां पे, बहुत डिसिप्लिन है सर, है ना, जैसा कि। और आज हमने क्या ट्रेस किया शाम की क्लास में? रिसीवर ट्रेस किया हमने, ना, है ना। कौन से बोर्ड का था ये? एमआई नोट 4 का। ये हमारा कान का रिसीवर कौन सी आईसी में जाता है? मैन पावर आईसी में जाता है। आपने ट्रेस किया इसके अंदर? थोड़ा बताइए आप इसके अंदर, थोड़ा अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम अक्षय है। आप बताइए, आप अपना बताइए। मेरा नाम कादिर है। रिसीवर का प्लस 2 पॉइंट है, एक डायोड। ठीक है, ठीक है, डिटेल में बताइए, आपने बना लिया ना आपने, है ना। इसका एंड पॉइंट क्या है आपका? मैन पावर आईसी है ना। जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा काफ़ी आगे ला के बताइए आप, थोड़ा आगे आइए, नाम बताते जाइए, आप आते जाइए, नाम बताइए अपना। कुमार सर, कोनाल कुमार, एक अपनी अपना डायग्राम बताइए, नाम बताइए अपना। अक्षय। अक्षय, आप बताइए अपना। कर्मजीत। ठीक है, आप बताइए अपना। कादिर सर। मोहम्मद कादिर। निखिल। निखिल। विवेक कुमार। विवेक, ये आपने अपने मन से बनाया कि कोई रट के बनाया कि कोई टीचर ने बना के दिया? नहीं सर, आपने बनाया। आपने ट्रेस खुद ने, आपके पास पीसी भी थी नोट 4 की, आपने उसको ट्रेस करा? जी सर। ट्रेस करके आपने खुद से बनाया? जी सर। ठीक है, किसने बनाया भाई ये? खुद से टेस्ट करके बनाया। आपने कौन सी पीसी से? नोट 4। ठीक है, बताइए आप। कृष्णा। कृष्णा, ये कैसे बनाया आपने? सर, मैंने खुद से ही बनाया सर, पीसीबी से टेस्ट करके सर। पीसीबी से? ये नोट 4 की पीसीबी कहाँ से मिली? आप साथ में लाए थे घर से? नहीं सर, यहीं से मिली। यहीं से मिली। और एक कौन सी पीसीबी थी आपके पास? सैमसंग का। सैमसंग का। कौन से मॉडल की पीसीबी है आपके पास? A50। सैमसंग A50। आपके पास 2 पीसीबी है? जी जी। हाँ, तो ये एशिया टेलीकॉम खुद देता है कि आप अपने घर से लाते? खुद देते हैं सर। आप बताइए, इधर आइए। ठीक है, ये काय का डायग्राम है आपका? एम आई नॉट फोर का रिसीवर ट्रेसिंग। रिसीवर ट्रेसिंग है, ठीक है। बताइए आप, नाम बताइए अपना। गौता सर। हाँ, आपने खुद से बनाया ये? खुद से बनाया। या किसी के सपोर्ट से बनाया? नहीं, सपोर्ट। ठीक, नाम बताइए। संतोष। संतोष। संतोष, कहाँ से हो आप? उड़ीसा। उड़ीसा। संतोष, बहुत दूर से उड़ीसा से आए हो आप। जी सर। तो ये बताइए कि भाई, आज आपकी 4 दिन की क्लास हुई है, है ना। 4 दिन की क्लास में आप इतना बढ़िया तरीके से डायग्राम बना रहे हो लाइनों को, तो आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबसे बढ़िया सर, बेस्ट मिल रहा है आपको? जी सर। आप खुश है? बहुत खुश। मोहम्मद रईस अहमद। कहाँ से हो रईस? तेलंगाना, निज़ामाबाद। तेलंगाना से रईस, जो होप लेके आए थे, जो उम्मीद लेके आए थे, वो आपकी पूरी होती हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही, जो होप थी उससे ज़्यादा हो रही है। नाम बताइए अपना। चंद्रकांत। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। उड़ीसा। ये आपने खुद से बनाया? खुद से बनाया। कौन से बोर्ड का ये? नोट 4 का, एमआई का नोट 4। नाम बताइए। शिवरतन फ्रॉम नेपाल। नेपाल। नोट 4 का ऑडियो ऑडियो सेक्शन का ट्रेसिंग किया है। आपने खुद से किया है? जी जी। या कोई टीचर ने सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट तो मांगते ना सर, जब नहीं जानते। नहीं, आपने जो किया है, खुद से किया है ना?
नाम बताइए अपना। संदीप वाधवानी, उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, कि आपने खुद से बनाया? जी। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। अच्छा, इसके पहले सब कर पाते थे? आई सी रिबोल है, फोन आपको 4G CPU, 3G CPU आप कर पाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो अपन 4 दिन की बात करें तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कर रहे हो। देव सर के साथ, जो जिनको आपने काफ़ी सालों से वीडियो में फॉलो कर रहे थे, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है, उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। दिमाग में घुसता है सीधे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सारा वीडियो में आता है तो यहाँ पे कुछ अलग होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। अलग है ना, ये थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि वो वीडियो पे नहीं बताते हैं। नहीं बता सकते ना, हम नहीं बता सकते इतनी डीप में, आप हर चीज़ को एक तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर, जो देव सर के माध्यम से जो भी चीज़ आपको मिलती है, तो वो एंडलेस होती है कि नहीं होती? बिल्कुल एंडलेस है ना। अगर हमको अगर एक रजिस्टर का अगर लाइन का भी हमको आइडिया करते हैं तो सर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देना क्या महत्व है एक रजिस्टर का, एक 0 ओम का रजिस्टर का क्या महत्व है और एक 100K का रजिस्टर का क्या महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा यहाँ पे क्लास में पूरा बताया जाता है। आज आपकी IC की क्लास थी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आप बोर्ड देख के पहचान पाओगे कि नहीं? पहचान पाओगे कि भैया कौन सी मदर बोर्ड है, आपने कौन सी IC लगी हुई है, CPU कौन सा। ओके, आइए इधर आइए। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। गणेश गलगले। गणेश, क्या बनाया आपने भाई? रिसीवर सेक्शन पूरा समझ के बनाया ना? हाँ सर। अब अगर जैसे MI Note 4 है, है ना, MI Note 4 के अलावा भी अगर आपके पास अगर कोई रिसीवर आता है तो उसको ट्रेस कर पाएंगे? कर लेंगे, बिल्कुल ट्रेस कर पाएंगे। मगर हम बेटा उदयपुर राजस्थान से। अच्छा, ये आपने खुद से बनाया? बिल्कुल सर। अब आपके पास कोई भी रिसीवर सेक्शन आएगा तो आप कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बनाने है ना। ठीक, सर ये बनाया। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। सर भरत नाम है। भरत? हाँ भरत, आपने ये खुद से बनाया ना? यस, खुद से बनाया सर, सब ट्रेसिंग करके। सब ट्रेसिंग करके खुद से बनाया? हाँ सर। अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या ट्रेसिंग? नहीं सर, ट्रेसिंग में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, एकदम ईजी हो गया ना? एकदम ईजी हो गया। थैंक यू वेरी मच। नाम बताइए अपना। सर बिल्कुल शेख। हाँ यार भाई, खुद से बनाए ना? खुद से बनाया है ना, समझ के बनाए ना पूरा। अगर कोई सा भी रिसीवर आपको ये तो नोट 4 का हमने एक आपको वो बताया था, इसका है ना तरीका बताया था कैसे करते हैं, तो इसी तरीके से आप दूसरे भी किसी भी PCB का कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास रिसीवर में अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप बना सकते कि नहीं? बना सकते, बना सकते हैं ना। जो भी सेक्शन हो रहा है बिल्कुल दिमाग में घुस रहा है कि नहीं आपके? थैंक यू। नाम बताइए। जोगेंद्र सिंह सर। जोगेंद्र सिंह, कैसा रहा भाई रिसीवर? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। रिसीवर का आपका जो अभी का सेक्शन था आपको सर ने पढ़ाया, उसके बाद आपने बनाया जी सर, तो आपका सारा डाउट क्लियर हुआ? एकदम पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका। अभी कोई सा भी रिसीवर आएगा तो हम बना सकते कि नहीं? आराम से बना सकते सर। बना सकते हैं जी जी। ओके ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। नितेश। नितेश, वेयर इन फ्रॉम, कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से। नितेश, आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्लियर हुए। क्लियर हुए, आपने खुद से बनाया ये, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। सर कैलाश। कैलाश हाँ जी। कैलाश, क्या बनाया? सर नोट 4 के रिसीवर सेक्शन बनाया। खुद से बनाया? खुद से बनाया। खुद से बनाया हाँ सर। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है सर। कोई सा भी सेट होगा बना सकते? बिल्कुल सर, अभी दो अभी बना दूंगा। अभी देंगे तो? हाँ तो बात। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारा हमारे साथ इस चैनल पर, आपको रोज जो स्टूडेंट का जो अपडेट्स है सारे अपडेट आपको मिलते जाएंगे। आपके घर वाले भी देख रहे हैं भाई, हाय कर दो जरा, है ना। आपके घर वाले भी देख रहे हैं आपको, है ना। अभी टाइम हो रहा है 8:15 हो रहा है ना, और सवेरे आप आए थे 8 बजे, आपका 20 मिनट का लंच का ब्रेक हुआ था, उसके बाद से आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सितंबर और ये हमारा चौथे दिन का क्लास, राइट? जी सर। मैं क्लास को दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों ने शुरू से देवंत लेके अब तक यहाँ पर कुछ काम सीखा है कि नहीं? यहाँ पर आपका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पे कौन कौन पावर AC लाइव लगा चुका है? हाँ, यहाँ पे कुछ लोग CPU भी लगा चुके हैं। कौन सा लगा चुके हैं? देखो कल कितने लोग लगा देंगे? सभी को लगाना है सर। और आज हमने IC की क्लास की है, और चलो इनके हम डेली आउटपुट तो लेते ही रहते हैं, और आपने देखे होंगे फेसबुक में। सर आप बने रहो यहाँ पर। चलिए अब हम इस बोर्ड को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बताओ ये कौन सा IC है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेवाक उसमें फ्री की क्लास भी मिल जाएगी और सब कुछ देगा, और आपको घर पे जो डीएसओ आएगा आपको कुछ नहीं करना है। ये मैंने जब खरीदा था, ये मेरा दूसरा डीएसओ है, एक मेरे घर पे रखा, ये लैब में, ये मेरा दूसरा डीएसओ जब मैंने ये खरीदा था। हेलो फ्रेंड, आज की हमारी जो क्लास है वो है आईसी की डिटेलिंग के ऊपर, जो क्लास थी आज हमारी दिन की क्लास, तो वही आज यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कौन सी आईसी में क्या होता है, डिटेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और यहाँ पे क्या शाम की वर्क चल रही है। चलिए, क्या कर रहे हो? जो सेक्शन में ट्रेसिंग कर रहे हैं। इधर देखिए, क्या पढ़ाया गया आज आपको? आईसीयू की डिटेलिंग पढ़ाई गई आज। तो आईसीयू डिटेलिंग क्वालकॉम सीपीयू में विडाटेक, सैमसंग या फिर जाइनोक्स या फिर जो भी सीपीयू हो उसमें कौन सा पावर, कौन सी हमारी नेटवर्क आईसी, कौन सी हमारी चार्जिंग आईसी, सारा बताया गया यहाँ पे, सब डिटेल लिखवाया गया यहाँ पे। जी सर, ये देख सकते हैं डाटा से। चलिए ठीक है, और अभी क्या कर रहे हो? अभी ट्रेसिंग कर रहे हो। ट्रेसिंग कर रहे हो? जी सर। ओके, इधर देखिए, क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग कर रहा। आज किसकी क्लास थी? सर आईसी के बारे में सब पूरा नॉलेज था। पूरा नॉलेज था। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई भी आईसी के बारे में अगर आपसे डिटेलिंग पूछी जाए कि लाइट और चार्जिंग, ग्राफिक्स किस आईसी में होगी, सारे डिटेल लिखवाए गए, बता दिया सर। क्वालकॉम में, स्नैपड्रैगन में, डायनोक्स में, सीपीयू में, सारा बताया गया यहाँ पे। अभी क्या कर रहे हो आप? सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेसिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है पहचान? yes, sir, कोई yes, भी ऐसी देख करके बता yes, सकते हैं? पावर आईसी सब कुछ देख के बता सकते हैं, मेन पावर आईसी कौन सी है, सब आईसी कौन सी। चलिए तो हम एक थोड़ा नेटवर्क सेक्शन में देख लेते हैं, अगर ये क्वालकॉम सीपीयू है तो कौन सी नेटवर्क यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मिनट देखिए, जूम कर लीजिए, बताइए वहाँ पे। नहीं है, थिनर थोड़ा लगा लीजिए क्योंकि ये लाइव हम देख रहे हैं। चलिए अब इसको साफ करिए, क्या लिखा हुआ है अब देखिए, दिखाई दिया, क्रॉस करके देखिए, लाइट चमक रही, लाइट चमक रही। चलिए वहाँ पे WTR लिखा होगा, तो किस सेक्शन की आईसी हो सकती है वो? WTR लिखा होगा तो किस सेक्शन की आईसी होगी? नेटवर्क है। वेरी गुड, ये नेटवर्क आईसी है, मतलब WTR अगर होगी तो हमारी कौन सी नेटवर्क सेक्शन की आईसी होगी। इधर देखिए, क्या कर रहे हो आप? ट्रेसिंग कर रहे हो, रिसीवर के ट्रेसिंग कर रहे हैं आप? ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आज किसकी क्लास थी? आईसी की डिटेलिंग के बारे में। ऐसा तो नहीं कोई भी आईसी छोड़ दी गई हो, मतलब आप अगर हम बात करें 80% तो आप देख करके बता सकते हो कौन सी आईसी है, लाइट आईसी, नेटवर्क आईसी, ग्राफिक्स आईसी, ये सारी चीज देख करके बता सकते हैं। WCN क्या है वो सारी चीजें बता सकते हो। चलिए, आप क्या कर रहे हो? इधर देखिए, क्या कर रहे हो? ये क्या बनाया आपने? ये सर हमारा ये स्पीकर का है। हाँ? ये स्पीकर का लाइन ट्रैक किया हूँ। हाँ? सर हमारा ग्राउंड इससे लेके। चलिए, वो तो आपने सारा यहाँ पे ट्रेस करके बनाया हुआ है। सर, हम अपना। चलिए, अभी आज किसकी क्लास थी वैसे? सर हमारा आईसी का क्लास थी। आईसी क्लास थी, तो आईसी की अगर हम बात करें तो कोई भी आईसी हो अगर एक बोर्ड दे दिया जाए उसमें आप देख करके बता सकते हो अकॉर्डिंग? जी बता सकता हूँ। क्वालकॉम, मीडियाटेक और वहाँ पे बता सकता हूँ क्या काम करता है सारा चीज बता। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
सर ट्रेसिंग का ड्रो कर ट्रेसिंग कर रहे हो जी सर रिसीवर की ट्रेसिंग कर रहे हैं जी जी तो ये लाइव ट्रेसिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर नहीं वही बात आपसे पूछते हैं आईसीयू की डिटेलिंग कैसी रही देव सर की क्लास बहुत अच्छा सर बहुत अच्छे से देव सर समझाते सारा चीज वो आपको समझ में आई हाँ सर कोई भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है सारा का सारा सर बहुत अच्छे तरीके से सर सिखाते क्योंकि अभी तो हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया है अब हमें पूरा उनकी लाइनों के बारे में आईसीयू के बारे में और डिटेल पता चलेगी आज तो सारा आईसीयू के बारे में पता चला है कि कौन कौन सी आईसीयू क्या क्या काम करती है क्या नाम से किस नाम से पहचान सकते हैं सारा का सारा जिस भी नाम से बोल रही है ओके सारा चीज बता सकते हैं चलिए ठीक है आप क्या कर रहे हो ट्रेसिंग कर रहा हूं अभी ये जो आज आपने बनाया है इसकी कितनी वैल्यू है बहुत वैल्यू है ऐसा कहीं यूट्यूब या तो गूगल में मिल सकता है नहीं 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 मिल सकता नहीं मिल सकता क्वालकॉम मीडियाटेक सैमसंग ये सारा चीज और अभी क्या कर रहे हो रिसीवर की ट्रेसिंग कर रहा हूं कैसे रही क्लास आपकी ऐसी समझ में आया ऐसा पूरा आया चलिए ठीक है क्या कर रहे हैं आप रिसीवर की सप्लाई कर रहे हैं हाँ। आज किसकी क्लास थी हाँ सर आईसी की क्लास थी ये जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं इसकी इम्पोर्टेंट क्या है इम्पोर्टेंट बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट है आरएफ क्या होती है पीएफओ क्या होती है ये सारा जो आपने लिखा हुआ है इतना ये आईसी की थी ना हाँ सर इतना जो डाटा ये आपने लिखा हुआ है इसकी इम्पोर्टेंट क्या है पावर आईसी में कौन कौन सा सेक्शन होता है मेन पावर वीसीओ ये सारा चीज आपको पता है पढ़ाया गया बिल्कुल सर वीसीओ क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्वेंस की लाइन क्या होती है ये सब पावर आईसी में ये आरएफ क्या होता है ये सारा चीज आप देख के पहचान जाओगे बिल्कुल सर कैसा लगा सर की क्लास आज मस्त लगे समझ में आ रहा है चलिए आप क्या कर रहे हो ट्रेसिंग कर रहा हूँ ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर ट्रेसिंग जैसे आप कर रहे हैं तो आज हमारी बेसिकली आईसी की क्लास थी तो कैसी रही आईसी की क्लास आपकी इधर देख बढ़िया का मीन्स कैसा पहले आप कोई भी बोर्ड देखते थे जैसे ये बोर्ड आपके पास था तो इसको देखते ही बता देते थे कौन सा पावर कौन सा यहाँ पे नेटवर्क कौन सा यहाँ पे ग्राफिक्स कौन सा लाइट आप बता दोगे नहीं पड़ता है अभी तो मालूम पड़ जाता है हाँ देखते हैं यहाँ भी आई कौन सी पावर आईसी है कौन सी सीपीयू है कौन सी ईएमसी है तो मालूम अच्छा देख के बता देंगे अभी चलिए अब तो सेक्शन वाइज और होगा तो और क्लियर हो जाएंगे जैसे लाइट का सेक्शन हुआ ग्राफिक सेक्शन होगा रिंगर सेक्शन होगा माइक सेक्शन होगा जो भी सेक्शन होगा चार्जिंग सेक्शन होगा तो आपको और श्योर हो जाएगा जो आईसी की डिटेलिंग दी है कि एक्चुअल में वहां से आती है कि चलिए ठीक चलिए जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रिसीवर का टेस्टिंग रिसीवर बेसिक आज आईसी की क्लास थी जी तो जो आपने ये बॉल बनाया इसको काउंट करते आ जाएगा आपको काउंट का काम करके ही लगाया अच्छा काउंट करके ही लगाया मतलब ये काउंट जैसे है बॉल को पढ़ना सिखाया सर ने सही से समझ में आया सर कैसे हमें बॉल को पढ़ा जाता है कैसे हम जब हम डायग्राम में पढ़ेंगे तो क्या किस नंबर पे आती है तो वो एक्चुअल में कर लेंगे आप ढूंढ लेंगे समझ में आया चलिए ठीक क्या कर रहे हैं ट्रेसिंग ट्रेसिंग कर रहे हैं हाँ सर बेसिकली आज आईसी की क्लास थी तो आईसी की डिटेलिंग की अगर हम बात करें हाँ। तो इधर देखिए थोड़ा सा मार्क्स उतार दीजिए दो मिनट के लिए तो अगर हम बात करें आईसी की डिटेलिंग के बारे में तो कोई डाउट है कैसा रहा देवसर की क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आया सारी चीजें डीपली नॉलेज मिला कि बस ऐवे ही बता दिया गया क्वालकॉम मदरबोर्ड के मतलब देखने का नजरिया चेंज हो गया आप देख के 80% 90% तो बता दोगे फिर फाइंड आउट करने के बाद तो 100% बता दें चलिए जी आप क्या कर रहे हो ट्रेसिंग करते हो ट्रेसिंग कर पावर आईसी निकल के पावर आईसी निकाल के प्रेसिंग कर रहे हो अब डर तो नहीं लग रहा पावर निकाल रहे हैं डेड हो जाएगा ऐसा वैसा नहीं है तो आईसी की क्लास कैसी रही ओवरऑल क्या आईसी की क्लास कैसी रही आज बहुत आसान है नॉलेज समझ में आया समझ आया ये जो आप कर रहे हो समझ के कर रहे हो क्या बॉल है कैसे ट्रेस करना है कहाँ से कौन सी आईसी आती है कौन सा सेक्शन किस आईसी से जुड़ा होता है सब समझ में ओके चलिए आप क्या कर रहे हो ट्रेसिंग कर रहे हैं सर ट्रेसिंग कर रहे हैं बेसिकली काहे की क्लास थी आज आईसी सेक्शन की आज हमारा आईसी का पूरा आइडेंटिफाई कि किस कौन सा सेक्शन किस आईसी से आता है इधर देखिए बताया गया आपको सारी चीजें हाँ सर पता है आप कैसी लगी क्लास आपको सर अच्छी लगी सर बहुत अच्छी लगी ये जो नॉलेज था जो डाटा सीट बनाया गया है ये क्या आपको गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएगा नहीं मिलेगा सिर्फ ऐसे टेक्निकल में ही मिलेगा नहीं मिलेगा ना जी सर चलिए ठीक है थैंक यू डाटा का इम्पोर्टेंट कितना है चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं आप ट्रेसिंग करिए चलिए ये जो डाटा का इम्पोर्टेंट कितना है जो आपने डाटा सीट बनाया हुआ है इसका इम्पोर्टेंट कितना है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है
कि हमें ये पता चलेगा कि जो भी सीपीयू लगा है उसमें कुछ सेक्शन में कौन सी आईसी पे जाता है, पावर है, पीएमआई है, पीएमएल है, लाइट आईसी कहाँ पे है, ग्राफिक्स कहाँ पे है, सारी चीजें बताई गई, सारी चीजें। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो एक बार में याद आ जाएगा, जैसे लाइट पढ़ोगे, ग्राफिक्स पढ़ोगे तो ग्राफिक्स में कौन कौन सी आईसी होती है, कहाँ कहाँ से बनती है, सारा चीज पता चल जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। चलिए अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रेसिंग कर रहे हो? हाँ, अभी स्पीकर के लिए ट्रेकिंग कर रहा हूँ। ओके चलिए, आप क्या कर रहे हैं? नेटवर्क चला गया। चलिए तो क्या कर रहे हो अभी आप? एमआई की 4G सेट में रिसीवर का ट्रेसिंग कर रहे हैं। रिसीवर की ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट ट्रेस करते आ रहा है आपको? जी सर। आईसी की क्लास कैसे लगी आज? एक मिनट थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा मार्क्स नीचे उतार दीजिएगा। आईसी क्लास कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया सर। समझ में आया? डीप नॉलेज मिला है वहाँ पे? बहुत। हर एक आईसी की डीप नॉलेज, आईसी का नंबर, नाम सब लिखा हुआ है क्या? नोट करा गया? देख करके कोई भी आईसी लिखी जाएगी उसकी नंबर लिखी जाएगी तो आप बता दोगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हो? बस सर ट्रेसिंग कर रहे हैं नोट 5 एमआई। नोट 5 का ट्रेसिंग समझ में आ रही है? हाँ सर, पता चल रहा है कहाँ आईसी मिल जाएगी, कहाँ से आएगी, कितना कैपेसिटी, सब कुछ पता चल रहा है। चलिए अगर हम बात करें कि आईसीयू की डिटेलिंग के बारे में, तो सारे डिटेल डीप नॉलेज में दिया गया है? आपको समझ में आया? दिया गया है। आपने डाटा बनाया? हाँ सर बनाया ना। ये डाटा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, वही मेन जो आपने बताया है ये। हाँ। पढ़ना इसको, लैग वाली आईसीयू को, बॉल वाली आईसीयू को सब पढ़ लेंगे अभी? हाँ, आराम से पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं? पावर आईसी चेक कर रहा हूँ। पावर आईसी चेक कर रहे हैं? तो पावर आईसी में क्या क्या सेक्शन होता है, पीएमआई में क्या क्या सेक्शन होता है, ये सारा चीज लिखवाया गया? जी सर। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये आईसी पावर आईसी है, लैग आईसी हुए, बॉल आईसी हुए, पढ़ने आ जाएगा आपको? जी सर। ओके क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका सीपीयू आई पावर आईसी उतार के रिंगर आईसी का लाइन टेस्ट कर रहे हैं। रिसीवर आईसी का? जी सर। चलिए इधर देखिए, तो आज कैसी लगी आपको ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी लगी। आईसीयू की डिटेलिंग समझ में आई? देख के बता देंगे कौन सी आईसी क्या काम करती है, फिर जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो और आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। जैसे आपकी कल या परसों आपकी ग्राफिक्स की होगी तो ग्राफिक्स कहाँ कहाँ से बनता है, कौन कौन सा 12 बॉल, ये 15 बॉल कहाँ से होता है, सारा चीज पता चल जाएगा। चलिए ठीक, क्या कर रहे हैं आप? आईसीयू की ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? हाँ सर। ये जो बना रहे हैं आप, ये फाइंड आउट करके बना रहे हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं? नहीं, फाइंड आउट करने के बाद बना रहे हैं। ओवरऑल आपसे ही पूछते हैं कैसी रही आईसी की क्लास? बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही? बहुत अच्छी का मीन्स क्या, आईसीयू डिटेलिंग मिली आपको? पूरी डिटेल मिल गई। अगर मीडिया टेक, क्वालकॉम, एसपीडी या जाइनोक्स या हमारे जो भी आईसी होगा उसके बारे में डिटेल मिला? हाँ सर, पूरा। कौन सा पावर, कौन सी पीएमआई, कहाँ से आरएफ, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल मिलेगा। चलिए ठीक है, चलिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? इसकी गई है, इसकी आपने डिफिनेशन किस चीज की लिखी हुई है फिर भी? जी मैंने जी आर जो चेक किया कहाँ से क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा, उसको पूरा आपने डिटेल में लिख दिया है कैसे कैसे आ रहा है? ओके ओके, तो चलिए आईसी क्लास कैसी रही ओवरऑल आज? बहुत अच्छा का मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको? अब हमको आईसी वगैरह सारा पहचान में आ गया, पहचान में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये बोर्ड था। जी सर। जैसे ये हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है जी। तो पहले जब आप इसको देखते थे तो कौन सा पावर क्या होता है, पीएफओ क्या होता है, सारा नॉलेज था आपको? नहीं सर, कुछ नॉलेज। अब देख के बता सकते हो? अब देख के बता सकते। नेटवर्क सेक्शन, रिंगर सेक्शन, रिंगर आईसी, लाइट आईसी सारा बता देंगे, सब कुछ नोट कराया गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हो आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी सर। तो ट्रेसिंग में क्या कर रहे हैं सर? रिसीवर ट्रेसिंग कर रहे हैं। रिसीवर ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो चलिए ओवरऑल आपसे भी हम एक सवाल पूछते हैं। आज किसकी क्लास थी? इधर देखिए, आईसी की सर। आईसी की क्लास थी, तो आईसी की फुल डिटेलिंग दी गई? जी सर। आईसी की अगर हम बात कर ले, कोई भी आईसी का पावर सेक्शन या नेटवर्क सेक्शन या लाइट सेक्शन, वो सब चीज बता पाओगे? बिना डायग्राम के बता दोगे देख करके? जी सर। क्या बात है, तो इसमें एक नेटवर्क आईसी बता दो यार कहाँ पे लिखी हुई, चलिए देख ही लेते हैं। नेटवर्क आईसी क्वालकॉम में क्या होती है? नेटवर्क आईसी आरएफ क्या होती है? हाँ, फ्रिक्वेंसी होती है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा बताई दीजिए आप जवाब बोल। अच्छा चलिए, कवर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर WTR लिखा होगा, WTR अगर लगा होगा, चलिए क्या कर रहे हो? सर स्पीकर जो होता है सर, ईयर पीस का सर। चलिए आज किसकी क्लास थी? सर आज
सीपीयू की क्लास थी। आईसी की क्लास, आईसी की क्लास। तो सीपीयू पहले आपको पता था, कंफ्यूज थे सीपीयू कौन सा है, एमएमसी कौन सा है, यूएफएस क्या होता है, ये सारी चीज आज आपको पता चल गया सारी चीज। पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, आरएफ, पीएफओ, सारा डिटेल मिला आपको। कैसा लगा ओवरऑल क्लास? सर बहुत अच्छा लगा, और सीपीयू के साथ कौन सी आईसी का कौन सा कॉम्बिनेशन सर सारी चीज पता रही। अब बिना मतलब सर्किट देखे ही अपन बता सकते हैं कि इस सीपीयू के साथ कौन सा ऑडियो आईसी लगा, कौन सा आरएफ आईसी लगा, क्योंकि अभी हमारा सेक्शन चलेगा तो और क्लियर हो जाएगा आपका। आप क्या कर रहे हो? तो मैंने ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग कर दी है, चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो नोट्स हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं? सर ये पहले मुझे पता नहीं था, पर अब यूं लगा कि इसमें जो वर्जन है, पहले मैं कभी कभी आईसी उधर उधर निकाल के भी लगाता था, पर मुझे वर्जन का कोई आइडिया नहीं था, इसमें वर्जन का भी चक्कर पड़ता है। तो ये सारा चीज आपको पीएमआई पीएमएल जो आपने ये सब क्यूसीएन डब्ल्यूसीएन डब्ल्यूटीआर एसडी ये सब लिखा हुआ है, सारा नॉलेज के साथ निकलेगा या बस लिखवा दिया? नॉलेज के साथ सर ने पूरा नॉलेज के साथ बताया है, और अब मैं कोई भी आएगा सेट तो कर लूंगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, आप क्या कर रहे हो? रिसीवर की लाइन टेस्ट कर रहे थे। किस आईसी तक चले गए? टेस्ट कर रहे हैं। चलिए आपसे भी छोटा सा सवाल कि ओवरऑल आईसीयू का नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट सर। अगर आईसीयू का नॉलेज नहीं होगा तो उसको पढ़ना सबसे बेसिकली होता है। अगर लेग आईसी हुई या बॉल आईसी हुई तो उसको हम पढ़ लेंगे। किस नंबर पे है उसका नंबर बता पाएंगे? कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी लग रही। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम ऐसे ही डेली मिलते रहेंगे और इनसे पूछते रहेंगे इनका फीडबैक कि जो भी इनकी क्लास चल रही है क्या एक्चुअल में वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। और ये लाइव है, ऐसा कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है। अच्छा एक छोटा सा, जो हम ये बात कर रहे हैं ऐसा कुछ एडिट वीडियो है क्या? नहीं, नहीं, आपको नहीं, जो चीज बता दिया आप उसको सारे स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं। कल तक कुछ ऐसी का नॉलेज नहीं था, आज में से कुछ हो गए। 80% बिना देखे कि कौन सी ऐसी है आप उसको देख करके बता दोगे? तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो हम रोज लाइव आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हर एक स्टूडेंट को बोल दे रहे हैं कि आपको ऐसा बोलना है? नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सामने सर बोर्ड रखा हुआ है, नोटबुक रखी हुई है सर, आप कितना लिखा हुआ? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप लाइव डेली का देख सकते। आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर सर। डबल डेकर किया आपने, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किया, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया?
सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू, आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। थ्री सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?